आज हम कवर करेंगे घुटनों के दर्द की एक्सरसाइजेस, जो कि बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम बन चुकी है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मनोज रोहिल्ला फिटनेस पे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहली हमारी जो एक्सरसाइज है वो है नी रोटेशन। इसमें हमें स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े रहना है। आप जैसे कि देख रहे हैं, मैंने अपने घुटनों पर जो मेरा जो नी का जो कैप है उस पर मैंने हाथ रखा हुआ है। वो हाथ रखने का रीजन ये है कि मैं जस्ट फील करना चाहता हूँ कि जब मैं इसको क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज जब मैं इसे रोटेट करूंगा तो मुझे प्रॉपर फील आएगा कि कौन कौन सा मेरा जो मसल्स है वो एंगेज हो रहा है। ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आती है वो आती है घुटनों के दर्द में ग्रीसिंग की कम होने की वजह से। एज के साथ हमारा क्या होता है, लुब्रिकेंट्स की जो बॉडी के अंदर कमी आ जाती है, जो जॉइंट्स के अंदर जिसको हम ग्रीस कहते हैं उसकी कमी आ जाती है, इसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये कुछ एक्सरसाइज हैं जिससे हम उसको रीजनरेट कर सकते हैं, अपने जो नी के फंक्शन है उसको हम प्रॉपर वे में स्टार्ट कर सकते हैं। इससे हमें बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलता है नी पेन के अंदर। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हुए हमें 20 टाइम्स क्लॉकवाइज देन 20 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज हमें अपने नीज को रोटेट करना है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, जो कि है नी कॉन्ट्रैक्शन। आप वीडियो में देख पा रहे हैं, स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े होने के बाद आपको अपनी जो लेग्स की जो थाइज की मसल्स होती है उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है। इसके साथ ही आपका जो नी का जो कैप है वो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये जो एक्सरसाइज है ये बेसिकली आपका ब्लड फ्लो को इंक्रीज करने के लिए बहुत ही बेनिफिशियल एक्सरसाइज है। स्लोली आप रिलीज करेंगे देन फुली कॉन्ट्रैक्ट, पूरा आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है ताकि आपकी पूरी मसल्स एंगेज हो, ब्लड फ्लो स्टार्ट हो, जो नर्व्स हैं उनके अंदर ब्लड का जैसे ही फ्लो स्टार्ट होगा पेन में अपने आप ही रिलीफ आना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें जमीन पर बैठने के बाद अपने दोनों पैरों के जो पंजे हैं उनकी जो मूवमेंट हमें करनी है वो हमें आगे की तरफ और पीछे की तरफ हमें मूवमेंट करनी है। ये एक्सरसाइज घुटनों के दर्द के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज में से एक है। इसका भी जो इम्पैक्ट आता है आपके जो लेग्स की जितनी भी नर्व्स हैं उनके अंदर ब्लड फ्लो करने के लिए जो ब्लॉकेज होती है उनको क्लियर करने के लिए ये एक्सरसाइज बहुत ही इफेक्टिव है। मैं हर एक्सरसाइज में आपको मेंशन कर रहा हूँ सबटाइटल के अंदर कि हमें किस एक्सरसाइज को कितने नंबर ऑफ टाइम्स हमें रोटेट करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, जो पंजे हैं हमें आगे की तरफ और पीछे की तरफ कितनी बार हमें इसको कॉन्ट्रैक्ट करना है, मैं ये आपको सबटाइटल के अंदर मेंशन कर रहा हूँ। नेक्स्ट एक्सरसाइज इसी एक्सरसाइज का थोड़ा एडवांस वेरिएशन है। अभी तक हमने जो लास्ट एक्सरसाइज में किया था हमने पंजों को आगे और पीछे की तरफ हमने मूवमेंट को परफॉर्म किया था। अब इस एक्सरसाइज में हमें अपने पंजों को पहले क्लॉकवाइज हमें रोटेट करना है देन हमें एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। पैरों की जितनी भी नर्व्स हैं उसके लिए, एंकल के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल एक्सरसाइज है। हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। इस एक्सरसाइज में हमें अपने घुटने को बेंड करने के बाद अपने जो पंजा है हमारा एंकल है उसको हमें दूसरे पैर की थाइस पर रखना है और अपने हाथों से हमें पूरे पंजे को हमें पूरा रेंज ऑफ मोशन यूज करके उसको पहले पूरा कॉन्ट्रैक्ट करना है देन उसको रिलीज करना है। बिकॉज जब हम बैठ के इसको फॉरवर्ड और एंटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे थे तो उसमें रेंज ऑफ मोशन प्रॉपर नहीं आता। जैसे कि आप देख रहे हैं, आप अपने हाथ से इसको बहुत इफेक्टिव वे में पूरी मसल्स को आप एंगेज करके इसको कर सकते हैं। सेम आपको अपनी पोजीशन चेंज करनी है, आपको दूसरा जो पैर है आपको उसकी पोजीशन को उसी डायरेक्शन में रखना है, उसी मूवमेंट को आपको कंट्रोल वे में करना है। प्रॉपर आपको अपने हाथों से पूरा रेंज ऑफ मोशन यूज करवाना है जिससे हमारी जो नर्व्स है, जो नर्व्स के अंदर ब्लॉकेज है वो ठीक होगी, ब्लड फ्लो होगा और जब भी ब्लड का फ्लो स्टार्ट होता है तो मसल्स के अंदर रिलीफ आना स्टार्ट हो जाता है। जो नंबर ऑफ रोटेशन हमारे पैर के रहेंगे इसमें हमें 20 का रोटेशन लेफ्ट देन 20 का रोटेशन हमें राइट लेग से करना है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। इसमें हमें अपने पैर के पंजे को दूसरी थाइस पे रखना है और जैसे कि आप देख रहे हैं अपनी नी को
यानी जो घुटने हैं आपको पहले आपको प्रेशर से जमीन पे टच करना है, देन आपको नीचे से हाथ से सपोर्ट करके उसको ऊपर जितना मैक्सिमम आप ला सकते हैं इसको करना है। देन अगेन आप प्रेशर से घुटने को नीचे जमीन पे टच करने की कोशिश करेंगे एंड देन आप उसको ऊपर लेके आएंगे। ये सपोर्ट का हमें पूरा ध्यान रखना है, बिकॉज जब हम ऊपर से प्रेशर डाल रहे हैं तो हमारे हाथ का जो हमारे पाम का जो प्लेसमेंट है वो ऊपर से प्रेशर देने के लिए हमें यूज करना है। देन जब हम ऊपर ला रहे हैं तो पीछे से एज अ सपोर्टर हमें अपने हाथ को यूज करना है। ये बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है आपके जॉइंट पेन को रिलीज करने के लिए। नंबर ऑफ जो मूवमेंट्स है वो हमारी सेम रहेगी, 20 फ्रॉम लेफ्ट एंड देन 20 फ्रॉम राइट लेग। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। इसमें हमें मकरासन की पोजीशन में हमें लेटना है, यानी हमें अपने हाथों को अपने हाथ की जो हमारी हथेलियां उसको एज अ स्टैंड हमें अपनी चिन यानी ठुडी के लिए यूज करना है और अपने पैरों को हमें स्लोली स्लोली मूव करना है। आप जैसे कि देख रहे हैं मैं अपने पैरों को कैसे मूव कर रहा हूँ, इसको बहुत ही स्लो वे में आपने करना है। बड़ी ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है ये आपके नी पेन को रिलीज करने के लिए, कमर दर्द के लिए भी ये बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। मैं आपको पोजीशन चेंज करके दिखाता हूँ। अल्टरनेट पैरों की मूवमेंट के बाद आप दोनों पैरों को एक साथ मूव कर सकते हैं इसी एक्सरसाइज में। ये बहुत ही इफेक्टिव बहुत ही कारगर एक्सरसाइज में से एक है। दोस्तों ये जो सभी एक्सरसाइज हैं ये बड़ी सिंपल और इफेक्टिव एक्सरसाइज हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड एक्सरसाइज हैं। अगर आप इनको करते हैं और रिजल्ट 100% शत प्रतिशत आपको रिजल्ट मिलेगा, आपको पेन में आराम मिलेगा, आपका जो नी का जो फंक्शन है वो इम्प्रूव होगा। आप जैसे आप पहले रूटीन में चलते थे, खेलते थे, दौड़ते थे, आप उस रूटीन में आप वापिस आएंगे। यहाँ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। कल मैं आपके लिए शोल्डर पेन को रिलीज करने के लिए एक्सरसाइज लेके आऊंगा। मैं उम्मीद करता हूँ आज की एक्सरसाइज है वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगी। अगर आपको एक्सरसाइज पसंद आए तो आप प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।